अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैनन 4000D के बारे में। इसका फुल सेटिंग और फंक्शन के बारे में बात करते हैं, कैसे जो है इसका सेटिंग करना है, कैसे इनके फंक्शन है, तो मुकम्मल डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ व्यूअर्स, तो इसके साथ जो आपको मिलेगा वो चार्जर है इसका LPE10 का, और इसके अलावा इसके साथ बैटरी है LPE10 की, जो कि आपको 400 से 500 पिक्चर आपके लिए निकालेगा। इसके अलावा इसके साथ जो है वो स्ट्रिप है, और इसके अलावा जो है 16GB मेमोरी कार्ड है, और एक कवर इसके साथ जो है बैग वो भी इसके साथ है। ये आपको मिलेगा 33,000 रुपये का। हमारा शॉप जो है वो पिशावर में करहानो मार्केट में न्यू अल्हमरा के नाम से है। 18 मेगापिक्सल है, ऑटो फोकस जो वीडियो में है वो नहीं है, पिक्चर में ऑटो फोकस है, इसको एक्स्ट्रा माइक नहीं लगता, और इसका ISO जो है वो 100 से 6400 तक जाता है। इसके साथ जो लेंस है वो 18-55 सादा वाला है। तो चलिए जी वीडियो शुरू करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, फंक्शन और सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको बैटरी डाल लेते हैं, इधर से हम बैटरी डालेंगे। ये हमने बैटरी डाल लिया, इसको अब इधर से मेमोरी कार्ड डालते हैं। तो इसको जी अभी ऑन कर देते हैं। तो ये है जी, फुल ऑटो में है, और ऑटो का मतलब ये है कि सारा जो कैमरा है वो ऑटो में है, चाहे फ्लश हो या जितने ISO हो या अपर्चर या शटर स्पीड, जितने भी इस पे फंक्शन है वो खुद बहुत ऑटो अप्लाई होते हैं इसमें। तो ये ऑटो का हो गया फंक्शन, और सी एक ऑप्शन है जो कि आप दिन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन में इसका सेटिंग जो है आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से जो है फंक्शन है इसमें, जैसे कि ये पोर्ट्रेट मोड है, और इसमें आप फेस का सेटिंग कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है ये पहाड़ के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये माइक्रो क्लोज अप, जो कि आप नज़दीक से जो भी पिक्चर लेते हैं तो आप इस मोड को यूज़ करें। ये वाला जो ऑप्शन है ये स्पोर्ट्स के लिए, जो कि आप स्क्रीन में भी इस तरह आएगा आपको सामने, तो ये स्पोर्ट्स के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये फूड का आ गया है, इसमें आप फूड का जो भी आपने पिक्चर लेना है तो इधर से आप इसको इस्तेमाल कर सकते। ये नाइट में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो रात के टाइम में इसमें पूरा सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये आ गया जी वीडियो, जैसे भी वीडियो में ऑप्शन आएगा आपको तो आपका जो है कैमरा इस तरह लाइव पे आ जाएगा, और इधर से जो आप इसको प्ले कर सकते हैं, जो रेड डार्ट वाला बटन है आप देख रहे हैं कि मेरा वीडियो शुरू हो गया, ये रेड डार्ट नज़र आ रहा है आपको, तो इधर से आपका जो है वीडियो शुरू हो जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत से और भी फंक्शन है। ये पी मोड का आ गया है, पी मोड का मतलब ये है कि सारा कैमरा ऑटो पे है, अपर्चर या ISO सारा कैमरा जो है ऑटो पे है, फ्लश के अलावा। फ्लश जो है वो आपकी मर्जी से चलेगा, आप जब चाहे फ्लश इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फ्लश जो है इसका अभी ऑटो में नहीं है, क्योंकि पी मोड में ऑटो में फ्लश नहीं होता। ये TV का ऑप्शन आ गया है, जो कि आप शटर स्पीड इससे सेट कर सकते हैं। ये AV का मोड आ गया, इधर से अपर्चर सेट कर सकते हैं, अपर्चर का पूरा सेटिंग इधर से कर सकते हैं। और ये आ गया जी मैनुअल मोड पे, मैनुअल मोड पे सारा कैमरा जो है अभी मैनुअल पे है, सिर्फ जो आपका ISO है वो ऑटो पे है, बाकी कैमरा सारा जो है वो मैनुअल मोड पे है। इधर से आप पिक्चर ले सकते हैं, जैसे कि ये पिक्चर ले लिया है, जो लेंस है वो मूव कर रहा है, और इधर से ISO या अपर्चर या जो है शटर या वीडियो में वॉल्यूम, इसको इधर से आप बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। इधर से जो माइनस प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इधर से आप जूमिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये पिक्चर देखता हूं, तो इधर से मैं जूमिंग कर रहा हूं। इधर से जो इसके ऑटो फोकस पॉइंट है वो भी आप इधर से सेट कर सकते हैं। आपने पिक्चर इधर से डिलीट करना है, जो डस्टबिन वाला बटन दिया हुआ है, इधर से हम इसको डिलीट कर देते हैं, तो इधर से आप डिलीट कर सकते हैं,
और इसके अलावा इस बटन से आप अपर्चर या शटर स्पीड भी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आप अपर्चर कम ज़्यादा कर सकते हैं, इधर से शटर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इस बटन से आप जो स्क्रीन में फंक्शन है उसको आप सेट कर सकते हैं, जैसे कि ये आईसो है, ये ब्राइटनेस है, और ये फ्लैश का और इसमें जो फिल्टर है इसको सब जो है इधर से चेंज कर सकते हैं। ये आईसो है, इसको आप इधर से इसको जो है इसका आईसो चेंज कर सकते हैं, देख रहे होगे आईसो चेंज हो रही है। इधर से आप इसका ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं। ये फ्लैश का सेटिंग आप इधर से कर सकते हैं। ये फिल्टर है इसमें, जो कि आप मुख्तलिफ फिल्टर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैं ऑटो पे ये इसको छोड़ देता हूँ। इसमें और भी बहुत से जो है फंक्शन है, पिक्चर क्वालिटी हो गया, पिक्चर क्वालिटी कैसे अपने बढ़ाना है इसको हम इसको इस पे रखते हैं। इधर से आप क्विक आईएसओ चेंज कर सकते हैं, इधर से अलावा आप इसका जो ऑटो फोकस है इधर से आप सेट कर सकते हैं। इधर से आप एक पिक्चर लिख सकते हैं, या आप कहते हैं कि एक क्लिक में जो है तीन चार पिक्चर निकाले इधर से आप निकाल सकते हैं। ये टाइमर है जैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। इधर से जो है आप इसका जो ब्राइटनेस से या मुकम्मल इसका सेटिंग फ्लश का सेटिंग कर सकते हैं। ये वाला जो है मेन्यू है, इसमें मुकम्मल जो आप मुकम्मल मेन्यू आ जाती है, कार्ड फॉर्मेटिंग या ब्राइटनेस या पिक्चर क्वालिटी या वाईफाई के साथ आपने अटैच करना है। इसमें वाईफाई भी है और इसमें क्लियरेंस सेटिंग मुकम्मल जो है आपका ये मेन्यू हो गया है। और इसके अलावा इधर से आप पिक्चर देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा डिस्प्ले दिन में ऑफ रहे तो आप ये डिस्प्ले वाला बटन प्रेस करें, आपका डिस्प्ले ऑफ हो जाएगा, और दोबारा इसे भी ऑन कर सकते हैं। आप फिर फोटोग्राफरी जो है वो आइस पे कर सकते हैं। तो ये हो गया डिस्प्ले का बटन। इधर से आप डिस्प्ले अगर आप करना चाहते हैं तो इधर से आप इसको ऑफ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपको मुकम्मल जो है वो सेटिंग समझा दिया, और इधर से आप इसका फोटोग्राफी कर सकते हैं, आईएसपी इसका फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।